जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है यह है सोनू सूद के बारे में और हम जानेंगे क्या है रियलिटी सोनू सूद की। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। और यहाँ पर मैं शाउट आउट देना चाहूंगी स्वास्तिक फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर को, वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर इन इंडिया। आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फिजियोथेरेपी रिक्वायरमेंट है तो। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीम SSR वॉरियर 369 को। पिछले कुछ वीडियो से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के अंत में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे मैंने लिंक शेयर किया है, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाना है उसके लिए वो चैनल मैंने बनाया है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। तो आप उस पर जरूर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा सब्सक्राइब पर और उसमें जो वीडियोस डाली है उन पर कॉमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि हम लोग किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको पैरानॉर्मल वर्ल्ड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी वीडियोस चाहिए तो मैंने लिंक शेयर करे हुए हैं, आप उन पे जाइए और वो मेरे चैनल है उस पे आप जाके सब्सक्राइब करें, देखें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। स्पेशली अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए तो उसमें मैं कुछ टिप्स ऐसे देती हूँ जिससे कि आप अपनी जिंदगी में धन को आकर्षित कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, पैरानॉर्मल वर्ल्ड पे, उन चैनल्स पे जाके उन पे देखिए, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या है रियलिटी सोनू सूद की, क्योंकि सोनू सूद जो है वो एक ऐसा नाम है जो लॉकडाउन के समय सबसे ज्यादा फेमस हुआ महाराष्ट्र में। बहुत सारे काम उसने किए ऐसे जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना कोई कर ही नहीं सकता। और एक नॉर्मल सा एक्टर जिसकी बहुत ज्यादा अर्निंग भी नहीं है, उसने इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कैसे कर दिया? क्या रियलिटी है? क्या सच में उसने इतना पैसा खर्च किया है गरीबों के ऊपर, या फिर अभी उसकी इमेज ऐसी बनाई जा रही है आगे पॉलिटिकल फायदे के लिए? तो ये चीज यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता को बहुत मूर्ख बना चुके हैं ये लोग, लेकिन अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी। और इन लोगों की रियलिटी जो है वो कैसे भी करके, चाहे टैरो कार्ड के माध्यम से, चाहे स्टडी करके, इन लोगों को जनता निकाल ही लेगी। तो आज मैं यही जानना चाहती हूँ कि रियलिटी क्या है सोनू सूद की और क्या, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या मोटिव क्या है इनका इसके पीछे। तो चलिए जानते हैं। मिस्टर मोदी जी आ गए यहाँ पे तो शुरू में ही, एंड यहाँ पे आए हैं हमें अपॉर्चुनिटीज आई हैं, लेकिन फिर भी सोनू सूद खुश नहीं है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। सडन रियलाइजेशन, कुछ सडन रियलाइज किया उन्होंने, कोई बात रियलाइज करी और यहाँ पे रियलाइज करा, सडन रियलाइजेशन। ओके, व्हाट एल्स? डिसीजन। स्टेबिलिटी चाहिए थी मुंबई में, डिसीजन लिया, इनको किसी ने ऑफर दिया है, ये काम करने के लिए ऑफर दिया गया है, डिसीजन लिया, माइंड यूज करा, फादर सन के साथ डिस्कशन हुआ, कोई फीमेल भी इसमें इन्वॉल्व है, ये जो फीमेल है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। प्लीज गिव मी मोर क्लैरिटी ऑन दिस। एक नई शुरुआत डेफिनेटली इसको चाहिए थी, एक नई शुरुआत है इसकी फादर और सन के साथ, नई शुरुआत है। इसके फाइनेंसेस पूरी तरह खत्म हो चुके थे, अगर आप देखें तो ये बहुत टिमिड फील कर रहा था और इसको कहीं ना कहीं लोगों से, किसी से डर था, पैसे का ज्यादातर खतरा था इसे, डर था पैसे का, डर था इसको। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर अटैक हो रहा था पैसे को लेकर के। देखिए जितना ये लोग दिखते हैं ना कि चैरिटी करने निकले हैं, इनकी रियलिटी कुछ खुद कुछ और ही निकलती है। इसकी तो खुद की ऐसी हालत हो रखी थी कि इसको पैसे की जरूरत बहुत थी यहाँ पर, और ये हर तरीके से अटैक हो रहा था इसके ऊपर पैसों को लेकर के, लोग इससे पैसे मांग रहे थे, जो भी इसके आसपास लोग थे, या कहीं ना कहीं ये ऐसी कंडीशन में था कि ये बैंकक्रप्ट हो चुका था और इससे पैसे मांग रहे थे। और फिर इसने कहा कि जैसे रिया चक्रवर्ती के लिए आया था ना जंगल का राजा, वैसे ही ये है। तो यहाँ पे भी इसने सोचा कि मुझे तो यहाँ पे राज करना है, इस जमीन पे राज करना है और ये शाइन करना है फादर सन के साथ। डिसीजन लिया फिर इसने, क्योंकि इस पे अटैक भी हो रहा था, और सक्सेस, कामयाबी मिल गई इसको उसमें। तो यहां तक तो हमें कार्ड्स आ गए हैं, अभी हम इन कार्ड्स को ही एक्सप्लेन करती हूँ पहले मैं आपको, और क्योंकि अभी मैंने तो पॉइंट्स में ही चीजें बताई है
उन पॉइंट्स को हमें एक स्टोरी में समझना होगा कि क्यों ऐसा ये किया किया इसने या जो भी इसकी लाइफ में हुआ है। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे पालघर से तो कनेक्शन लग रहा है, पालघर में जो हुआ साधुओं के साथ उसके बाद ही ये मोर्चा चालू किया गया है, उसके बाद ही ये ऐसा बनाया गया है इस पर्सन को, जिससे कि एक इमेज जो है वो ठीक की जा सके। और उसके बाद बैक टू बैक जो हत्याएं हुई है, चाहे वो सुशांत की हत्या हो, ये क्राइम सीन अगर आप देखें तो यहाँ पे सुशांत है, ये वो बेड है उसी रूम की क्राइम सीन है, ये दीपेश सावंत उनके पैर पकड़ रहा है, सुशांत यहाँ पे सिडेटेड लग रहे हैं और साथ में और भी दो जने हैं, ये लोग इनको स्टेज कर रहे हैं, इनकी सुसाइड स्टेज कर रहे हैं। पालघर में अगर हम बात करें, इस कार्ड को अगर हम पालघर से भी कनेक्ट करें तो ये पालघर के साधु हैं जिनको डराया गया, धमकाया गया, सुशांत की हत्या यहाँ पर हुई। तो ये जो चीजें हो रही थी, ये सब चीजें जो थी, कहीं ना कहीं इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी इसको दी गई, लेकिन इसने इसके ऊपर एकदम से हाँ नहीं किया था। लेकिन क्योंकि इसकी हालत खराब थी उस समय, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो चीजें हुई, सडनली चीजें होती चली गई, एक टावर मोमेंट है यहाँ पे, बर्निंग टावर। तो ये जो पालघर में साधुओं को जो मारा गया, उसके बाद साधुओं की तो हत्या की गई, और जो नेवी के ऑफिसर के साथ केस मारपीट हुई, और जो महाराष्ट्र के अंदर जो बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा अचानक से, जो चीजें खराब होती चली गई, उसकी इमेज को सुधारने के लिए, एक ये शो करने के लिए कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, ये शो करने के लिए इसको इसको ऑफर्स दिए गए, इसको ऑफर दिए गए कि तुम आओ और तुम ये चीज करो। तो यहाँ पर ये क्लियरली पॉलिटिकल स्टेप था इसका आना, ये कोई चैरिटी के लिए ये नहीं आया है। इसमें ये फीमेल भी इन्वॉल्व, इसकी वाइफ हो सकती है या कोई और पर्सन जो जिसका नाम आपने ज्यादा सुना हो इसके साथ। अब ये उस समय में कोई और फीमेल भी इसके साथ कोई ना कोई थी सपोर्ट में, शायद इसकी वाइफ थी या कोई और, लेकिन ये जो भी फीमेल है ये भी इतनी कोई साफ सुथरी यहाँ पर नहीं है। ये कोई ऐसी है जो हो सकता है एनजीओ से कनेक्टेड हो या कुछ ऐसा, ये रिया चक्रवर्ती की भी बहुत एनर्जी लग रही है, लेकिन ये कोई ना कोई फीमेल डेफिनेटली है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हालांकि ये कार्ड में मोदी जी से कनेक्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे हम इसे अलग रखते हैं, लास्ट में इसकी क्लैरिफिकेशन लेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यू बिगनिंग, तो इसने डिसाइड किया कि इसको एक नई शुरुआत चाहिए, सक्सेस चाहिए, और ये जंगल का राजा जैसा शेर होता है, जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ही ये चाहता है कि मुंबई में ये भी राज करे, जैसे रिया चक्रवर्ती की एनर्जी आई थी उसकी रीडिंग में, तो ये भी ऐसे ही रूल करना है, सक्सेस चाहिए और नई बिगनिंग चाहिए। तो इसने जो ये स्टेप उठाया है, इन लोगों के साथ जो हाथ मिलाए हैं, यहाँ पे देखिए फादर सन दोनों दिख रहे हैं, सन और फादर दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं, फादर सन, तो ये डेफिनेटली इनके साथ इसीलिए जुड़ा क्योंकि इसे सक्सेस चाहिए थी, कामयाबी चाहिए थी, और इसके लोग इसको ये कामयाबी प्रॉमिस कर रहे थे, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग प्रॉमिस कर रहे थे, तो इसलिए इनके साथ इसने हाथ मिला लिया। इनको भी कार्ड्स को हम यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन लिया गया पालघर में जो साधुओं की हत्या की गई, यहाँ पे अगर आप देखें जैसे ये जो है ये पर्सन जा रहा है यहाँ से, तो ये डिसीजन जो लिया गया ये तब लिया गया जब पालघर में साधुओं की हत्या की गई। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सोनू सूद ही इज अ वेरी क्लेवर माइंड पर्सन, बहुत ही चालाक आदमी है, क्योंकि आप देखिए मैजिशियन का दिमाग है इसका और फादर सन दोनों इसके साथ है यहाँ पर, तो इसने अपना दिमाग यूज करके इस प्रोजेक्ट को हाँ किया, इस काम को हाँ किया, क्योंकि इसको मालूम था इसमें इसको बहुत तरक्की मिल जाएगी, इसको कामयाबी मिलेगी। और यहाँ पर ये अगर इस कार्ड को हम देखें तो ये ज्यादातर उन लोगों से कनेक्ट करता है, जैसे पालघर में जो साधु थे जिनकी हत्या की गई, ये उससे कनेक्ट करता है। तो ये जब जैसे ही ये आया, सबसे पहले ये पालघर का इंसिडेंस हुआ या जो भी है, जो एक के बाद एक इंसिडेंस होने लगे, लोगों ने डराना शुरू कर दिया अपनी इमेज अच्छी करने के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये इसकी रियलिटी कुछ और है, ऐसी रियलिटी नहीं है जो ये दिखा रहा है, और ये एक मैजिशियन की तरह है, एक बहुत ही चालाक इंसान है, बहुत ही ज्यादा चालाक। और ऐसा भी यहाँ पे है कि जैसे जैसे इन्होंने शो किया कि हमने इतने सारे लोगों की हेल्प करी है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो सब फेक फॉलोअर्स होते हैं और फेक लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन आकर ये बताया कि मेरी तो बहुत मदद करी है, मेरे को बहुत हेल्प हुआ है, ऐसे ऐसे करके कईयों ने मीडिया में आया, और कहीं ये दिखा रहे हैं कि उनके मंदिर बन गए हैं, सोनू सूद के मंदिर बना दिए हैं, उनकी पूजा हो रही है। तो ये सब कौन करता है, इतना पैसा मंदिर कौन कौन बनाएगा, क्या आप और मैं बनाएंगे जाके मंदिर? तो ये सब फंडेड है, ये फादर सन जो है, ये जो इनकी पार्टी है, इनके थ्रू फंडेड है। और ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू स्टैंड अगेंस्ट मोदी। यहाँ पर मोदी जो हमें शुरू में ही आए हैं, ये मोदी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनकी पार्टी के खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है ताकि उनकी पकड़ मजबूत ना हो,
और जब मोदी के खिलाफ इनके इलेक्शन शुरू हो बीजेपी के खिलाफ, तो उसमें जो है ये एक स्ट्रांग पर्सन बन के सामने आए और ये जो है ये मुंबई पे राज करे। आने वाले समय में देख लीजिएगा, ये डेफिनेटली पॉलिटिक्स में आने की पूरी कोशिश करेगा और यहाँ पे यही कारण था कि ये इस तरीके से इसने एंट्री करी। लेकिन असलियत में आपको इसकी बताऊं तो ये बिल्कुल भी ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है। यहाँ पर देखिए एक मैजिशियन का कार्ड है जो बहुत चालाक है, अपना फायदा देखने वाला है। यहाँ पे सुशांत की हत्या को भी एनकैश करते हैं ये लोग, और उसके अलावा जो भी चीजें हो रही हैं मुंबई में इन सब के बारे में ये जानता है। और ये खुद भी बहुत परेशानी में था उस समय जब इसको अप्रोच किया गया, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, क्योंकि जो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी इस पे हर जगह से अटैक हो रहा था। और ऐसे में इसको जैसे ही ऑफर आया इसने तुरंत ही ऑफर पकड़ लिया, क्योंकि इतने अंधेरे से इतना उजाला मिल रहा है इसको, ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, एक अच्छी इमेज बन रही है, तो इसको क्या चाहिए था, इसने तुरंत हाँ कर दिया। और उसके बाद ये जो अच्छी इमेज जो है मुंबई की, ये जो यहाँ पे देख रहे हो फायर हो रही है, ऐसी इमेज से इसको कन्वर्ट किया, ऐसे में पीसफुल ऐसे से ऐसी इमेज कन्वर्ट करी, तो इसको पूरा सपोर्ट था इनका। और यहाँ पर अगर हम इस लेडी की बात करें तो वैसे तो मैंने बताया कि रिया चक्रवर्ती है, लेकिन अगर रिया चक्रवर्ती इससे भी ज्यादा स्ट्रांग लेडी की बात करूं तो ये डेफिनेटली ये जो पार्टी जो है, जो आप जानते हैं ये मातोश्री एंड ऑल दिस ये जो बोलते हैं, तो ये जो चीफ है ना उनकी, ये वो है जिनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो हाथ का सिंबल है, तो ये आप समझ गए हैं ये वो लेडी है। यहाँ पर डेफिनेटली इसके इशारे पे ये सब चीजें हो रही हैं और एक ऐसा पर्सन क्रिएट किया जा रहा है जो मोदी जी के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो यहाँ पे डेफिनेटली उसको तैयार किया जा रहा है मोदी के खिलाफ फाइट करने के लिए आने वाले समय में। और यहाँ पर ये उसने हाँ किया क्योंकि उसे भी यहाँ पे जंगल का राजा बनना है, कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए और एक नई शुरुआत चाहिए लाइफ की, तो पॉलिटिक्स में डेफिनेटली आने की पूरी प्लानिंग है इसकी। और ये तो कॉमन सेंस वाली बात भी है, अगर हम लोग भी देखें तो इतना पैसा उस पर आया कहाँ से, और ऐसी जगह पे जहाँ पे ये फादर सन की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, यूट्यूबर्स को जेल में डाल रहे हैं, तो ऐसी जगह की अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसी जगह में आकर के इतना चैरिटी का काम कैसे कर सकता है। अगर इतनी चैरिटी करेगा तो ये तो पकड़ के उसको जेल में डाल देंगे, केस कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे कि भाई हमारे सामने ये अपनी इमेज अच्छी क्यों बना रहा है। तो यहाँ पर ये जो सलमान खान का बीइंग ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है जो भी उसकी वो है, तो उसमें क्या होता है कि 10-15 साइकिल या 5,000 साइकिल खरीद ली और उनमें से शो करा कि इतनी खरीदी है, थोड़ी सी साइकिल गरीबों में बांट दी, उनकी फोटो और पीआर टीम एक्टिवेट हो जाती है, तो इस तरीके से है। और बस शो करते हैं कि गरीबों की मदद कर रहे हैं और उसके बाद क्या होता है, बस वो उसके बेसिस पे पैसा आता है एनजीओ की तरह, एनजीओ के नाम पे, और उस तरीके से मनी, ब्लैक मनी जो है वो व्हाइट मनी कन्वर्ट होती है। तो ये बेसिकली इसका इनका सिर्फ एक प्यादा है जो इनके कहने पर आगे आया है। यही मुझे यहाँ पे जानना था, जस्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन। एक कार्ड यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा आया था, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जस्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन, जो अभी जो सिचुएशन हो रही है पालघर की और जो मुंबई की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको रोप इन किया, इसको बुलाया गया कि भाई तुम इसको इमेज को ठीक करो, बेसिकली यही हुआ है यहाँ पर। और ये तो हमें पहले भी लग ही रहा था, बट फिर भी मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी इसलिए मैंने ये कार्ड स्प्रेड किया। और बहुत सारे व्यूअर्स ने भी मुझसे बोला था कि एक बार आप सोनू सूद की रियलिटी पर भी वीडियो बनाइए। तो आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को अगर नहीं किया है तो। एंड टीम SSR वॉरियर 369 इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल SSRians, SSR वॉरियर्स जितने भी हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसको प्लीज ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए उसे, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी जो ये टीम है ये और स्ट्रांग होगी। और हम इन जिन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है इन लोगों की जो है ना इनका इन सबकी हालत खराब कर सकते हैं जब हम सब साथ में होंगे तभी। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यकीन मानिए कि लास्ट तक जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिलता हम लोग फाइट करेंगे, रुकेंगे नहीं। तो डेफिनेटली जस्टिस हम दिलवा कर रहेंगे, बस आप साथ में रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है, आप ज्वाइन करिए उसको। एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज कमेंट करके बताइए और किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, क्योंकि मेरे को जितने अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगेंगे मैं वीडियोस बनाते रहूंगी। और आप सबका जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है, थैंक यू सो मच। आप सबका इतना जो कमेंट्स आते हैं मैं उन्हें पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और बहुत एक फैमिली जैसी फीलिंग आती है कि आप लोग सुनते हैं कि पहला लाइक आता है कि मैंने सबसे फर्स्ट लाइक किया है वीडियो को और मैंने सबसे पहले देखी है, और मतलब बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अपना प्यार अपना विश्वास बना के रखिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय भारत। और अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।